तो फिर उसे बात करने दो और देखो वो तुमसे क्या कहता है। प्रार्थना का अर्थ जोर जोर से चिल्लाना नहीं बल्कि चुप हो जाना है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि वो बहुत दूर है, कहीं आसमान में बैठा है, तो चिल्लाओ। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मुझ में जिंदा है, तो फिर खामोश हो, चुप हो जाओ और जान लो कि वो खुदा है। धन्य है वो व्यक्ति जो दिन रात उसके ध्यान में लगा रहता है। और यीशु मसीह स्वयं आए और लोगों से कहने लगे, अपने चेलों से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। यीशु हमें चिल्लाने के लिए नहीं कह रहे थे, सिर्फ जागने के लिए कह रहे थे, जाग जाओ और देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जागृत हो जाओ, अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हें रोशनी दी है, मैंने तुम्हें एनलाइटन किया है, मैंने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो अब सिर्फ जागना है, जागृत होना है और खामोश होके उसकी आवाज को सुनना है। और वो जो एक है, जो तुम खुद हो, तुम्हारा अहंकार है, उसका अंत करना है। और जब उस एक का अंत होता है तो फिर एकांत परिपूर्ण होता है, फिर वो तुम्हारे बर्तन को भर सकता है। जब तुम्हारा अंत होगा तब तुम कह सकते हो कि अब मैं नहीं, मुझ में वो जिंदा है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, और अब मैं खाली नहीं, भरा हुआ हूं, संपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, और मेरा प्याला उमड़ रहा है।